आज मैंने मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर स्मॉल फिश करी बनाई है। आप भी इसे बनाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्मॉल फिश करी। स्मॉल फिश करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटी वाली मछली ली है। अब मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह साफ की जाती है। ये देखिए, इस तरह हमें इसके अंदर का पूरा मैल निकालना है और इसे अच्छी तरह से साफ करना है। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको और एक एक बताती हूँ। बहुत आसानी से ये साफ हो जाती है। इसे साफ करने के बाद दो तीन पानी से धो लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसी तरह हम सभी मछली को साफ कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी मछली को अच्छी तरह से साफ कर ली है। अब हम रेसिपी बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए अब हम सालन के लिए मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्याज रफली कट की हुई, एक टमाटर रफली कट किया हुआ, आधा कटोरी हरा धनिया, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम मिक्सर जार में कट की हुई प्याज डालेंगे, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसे ढककर बारीक पीस लेंगे। देखिए, हमने मसाला बारीक पीस लिया है। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में राई का तेल डालेंगे, दो चम्मच ही डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। दो तीन मिनट हमें इसे ऐसे ही भूनना है। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच कांदा लहसुन मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। सालन में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें फिश डालेंगे। हमने सभी मछली डाल दी है, अब हम इसे चम्मच से एक बार ऊपर नीचे करेंगे। आहिस्ता से हमें इसे अच्छे से मिलाना है। अब हम इसे ढककर 3-4 मिनट पकने देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। और इसे चम्मच से एक बार ऊपर नीचे करेंगे। देखिए, हमारी स्मॉल फिश करी बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो
तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।